कैश फ्लो स्टेटमेंट का बच्चों एक और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मान्य लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 की फिगर्स दी हुई हैं। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह दिए हुए हैं। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट ईयर 30,000, इस बार 20,000। इसके लिए शेड्यूल नंबर 2 है नीचे। आप देखें सरप्लस की फिगर लास्ट ईयर जो थी दैट वॉज 25,000 थी, फिर इस बार 15,000 हो गई और जनरल रिजर्व जो है वो 5,000 से 35,000 हो गया। इसी का टोटल 30,000 और 50,000 आया होगा। कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं। डिविडेंड की मशीनरी 3,000 वाली 6,000 में बेची है, डिविडेंड पे किया है 6,000 का और डेप्रिसिएशन चार्ज किया है बच्चों फिक्स्ड एसेट्स पे 50,000 का। फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले वर्किंग नोट्स बना लें हम लोग। वर्किंग नोट्स में बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट जो एज पर बैलेंस शीट दिया हुआ है शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लास्ट टाइम 25,000 था, इस बार 15,000 हो गया, तो 10,000 रिड्यूस हो गया है, तो नेगेटिव फिगर। इसमें हम ऐड करते हैं बच्चों जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर की है फिगर, जैसे कि जनरल रिजर्व में लास्ट टाइम 5,000 था, इस बार 35,000 हो गया, तो 30,000 हमने ट्रांसफर किया है। आप डिविडेंड और टैक्स, डिविडेंड टैक्स और रिजर्व, ये तीन फिगर्स होती हैं बच्चों। DTR आप याद रखें, डिविडेंड टैक्स एंड रिजर्व। तो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है 6,000 रुपीज का, क्योंकि जब डिविडेंड पेड की फिगर दी हुई है और बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो जो पेड है वही मेड है बच्चों, वही सेम फिगर पेड की फिगर होती है और वही सेम फिगर मेड की फिगर हो जाती है। सो इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 26,000 पॉजिटिव फिगर आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं बच्चों। मशीनरी की फिगर्स आपको दी हुई हैं फिक्स्ड एसेट्स के नाम से बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर 1,50,000, इस बार 2,00,000, और नीचे बताया हुआ है मशीनरी जो है वो 3,000 वाली 6,000 में सेल किया है और डेप्रिसिएशन भी लगाई है हमने फिक्स एसेट्स पे 50,000। तो स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिक्स एसेट्स 1,50,000 है, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 2,00,000 रुपीज है, ठीक है जी। बाय बैलेंस कैरेड डाउन आपकी फिगर 2,00,000 रुपीज की है। जो जो आइटम्स ये हैं बच्चों अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, आपको जो भी दिया हुआ है बाय बैंक, आपने सेल किया है 6,000 रुपीज की एक एसेट, 3,000 वाली 6,000 में सेल करूंगा तो ऑब्वियसली 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट डेबिट साइड पे शो करूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया आपका 3,000। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की फिगर दी हुई है बच्चों, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे दिखा देता हूँ, 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, ऐड कर दिया क्रेडिट साइड पे डाल दिया, टोटल 2,56,000 आ गया और इससे मेरे पास डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर बच रही है 1,03,000 की। इससे डेबिट साइड में मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी, टोटल 256 है, 1,03,000 की, और डेबिट साइड पर जो फिगर बचती है वो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गई, तो टू बैंक परचेज आ गई, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 हमने बना दिया। अब मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं एज पर AS3 revised। सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम चाहिए। नंबर 1 नेट प्रॉफिट, हेडिंग लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, और अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमने ऊपर 26,000 अभी आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल कर दिया है 26,000, ये रही फिगर आपके सामने, ठीक है 26,000 शुरू करते हैं। और अब इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल वगैरह एडजस्ट करना है, डिविडेंड रिजर्व और टैक्स पहले ही एडजस्ट हो चुके होते हैं। डेप्रिसिएशन बच्चों फिक्स रेट्स पे दिया हुआ है 50,000, और कोई लॉस ऑन सेल का कुछ आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल था तो प्रॉफिट ऑन सेल को हम लोग 3,000 रुपीज जो है वो माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 3,000, बचा 73,000 रुपीज मेरे पास नेट फिगर बची। दिस इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें मुझे सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा,
यानी कि ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को। ट्रेड पेबल्स बच्चों इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 20,000 से 45,000 हो रहे हैं तो आपका 25,000 ऐड हो जाएगा। आंसर 98,000 आ गया। और अब लेस करेंगे हम लोग, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 12,000 आपका लेस हो जाएगा, और इसी तरह से इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल भी है बच्चों 40,000 ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री बच्चों 18,000 से 30,000 हो रही थी, 12,000 इंक्रीज हो गया। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल 60,000 से 1,00,000, 40,000 ऐड कर दिया, 52,000 की फिगर लेस कर दिया, नेट फिगर मेरे पास आ गया 46,000 रुपीज। नेट फिगर 46,000 रुपीज की फिगर आ गई, क्योंकि इसमें कोई इनकम टैक्स की फिगर नहीं दी हुई। अगर इनकम टैक्स की फिगर दी होती तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता, पर नहीं दी हुई तो यही मेरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर आ गया है। अब मैं चल रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि फिक्स एसेट्स रिलेटेड। और फिक्स एसेट्स में हमने एक ही अकाउंट बनाया है बच्चों, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स एसेट्स में एक सेल किया मैंने और एक परचेज की बैलेंसिंग फिगर आई थी। सेल ऑफ मशीनरी 6,000 है बच्चों, और जब हमने अकाउंट बनाया था तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट की बैलेंसिंग फिगर आई थी और वो थी हमारी 1,03,000 रुपीज की। क्योंकि परचेज है इसलिए हम उसको नेगेटिव में डाल रहे हैं, 1,03,000 रुपीज की, ठीक है। सो नेट फिगर 97,000 नेगेटिव बाहर आ गई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बच्चों एक तो शेयर कैपिटल देखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोई डिबेंचर्स होते हैं, हाँ डिबेंचर्स भी हैं उसको भी चेक करेंगे बस, और तो कुछ है नहीं। और एक डिविडेंड पेड की फिगर देखेंगे। तो सबसे पहले इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, लास्ट टाइम 1,00,000 थे, इस बार 2,00,000 हो रहे हैं तो हमने 1,00,000 के शेयर इस बार इश्यू किए हैं, ऐड कर देते हैं बच्चों 1,00,000 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 से 60,000 हो रहे हैं तो ये भी हम इश्यू ही कर रहे हैं, तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 रुपीज, ये भी इंक्रीज हो गया, ऐड कर दिया। डिबेंचर 50,000 से 40,000 हो रहे हैं तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो रही है 10,000 रुपीज की, तो उसको नेगेटिव फिगर करके डाल देंगे हम लोग। अब टोटल किया मैंने 1,20,000, 10,000। चलिए एक फिगर और है डिविडेंड पेड की 6,000 ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हम लोगों ने नेगेटिव फिगर डाल दी। तो 1,04,000 रुपए हमारी जो है वो पॉजिटिव फिगर आ गई। 1,20,000 + 10,000 - 10,000 - 6 1,04,000 है यहां पर, 1,14,000 मैंने लिखा है, अभी ठीक करते हैं। इन सब का टोटल मैंने किया, सो नेट इंक्रीज क्योंकि पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया 53,000 रुपीस। इसमें मैंने ऐड किया फिफ्थ आइटम, उसको लिखते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो 12,000 मैंने ऐड किया तो आंसर 65,000 आपके सामने आंसर आ गया। 65,000 अपने आप आपके सामने आंसर है सिक्स्थ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। 65,000 फाइनल आंसर आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, 12,000 आपका क्वेश्चन नहीं बैलेंस शीट में आंसर दिया हुआ था आपको। मैंने सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलवाया 26,000, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाया, परचेज निकली 1,03,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर, इसी के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं बच्चों। फिर उसके बाद सीएफएस हमने बनानी शुरू करी, 46,000 रुपए की पहली फिगर आई हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। नंबर टू हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की फिगर 97,000, ये भी फिगर नेगेटिव थी। और नंबर थ्री फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो 1,14,000 रुपए की, ये 1,04,000 रुपए की फिगर है बच्चों। और इसके बाद 65,000 हमारा आंसर आ गया।
ओके राइट डन।